सारे आप में से कई सारे लोगों ने ये पूछा है कि सर हमको एक बड़ी समस्या है जो बड़ी पर्सनल टाइप की, चूंकि ब्लॉग पर्सनल ब्लॉग है तो हम चाहते हैं आप चर्चा करें इस पर, वो है प्रेम। ठीक है, प्रेम कि सर हमको जो है वो हमारी उम्र में जो है प्रेम का होना बड़ा नॉर्मल सा है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे डील करें इसको। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि जब आप प्रेम, लव, अफेक्शन जो भी बोलते हैं आप इसको, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, लेकिन इस फिनोमिना के परिणाम बहुत बड़े बड़े। मैंने कहा ना, चीज तो प्राकृतिक है। अरे, किसी से प्रेम करना, किसी के साथ प्रेम में पड़ जाना, ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन असामान्य बात कब होती है, जब आप उसके चलते अपना करियर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस करियर के अफेक्ट होने से आपका प्रेम भी नहीं बचता है। देखिए, नंबर एक, प्रेम के चलते करियर को अफेक्ट किया, करियर नहीं होगा तो लंबे समय में प्रेम को सस्टेन कर पाना मुश्किल होगा। तो ना ये हाथ था ना वो हाथ था। ठीक है, मेरा पर्सनल अनुभव कहता है कि प्रेम, जो आपका अफेक्शन, लव, या आप किसी को चाहते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए, आपकी ताकत बनना चाहिए। आपकी कमजोरी यदि बन रहा है तो वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि उसका रूट जो है, उसका बीज ही गलत लगा है वो। ठीक है, कोई भी परिवार जो होते हैं ना, आपको बता दूं, मैं प्रैक्टिकल बात बता, कोई भी परिवार जो होते हैं ना, वो कभी भी आपकी अपनी चॉइस को इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं उठके। और उसके पीछे कारण होता है कि यदि आप कम उम्र में प्रेम करते हैं तो यू बिकम ए लाइबिलिटी, आप एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, एक आप जो है वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। और कोई भी परिवार लाइबिलिटी को जो है पसंद नहीं करता, कि कोई भी चीज ऐसी जिसकी जो लाइबिलिटी, जो बोझ है, उसको कोई पसंद नहीं करता। जब आप पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, स्पेशली मैं लड़कियों से बोलूंगा, गर्ल्स से बोलूंगा, बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उससे आपका सेल्फ एस्टीम मेंटेन रहता है। उससे ये होता है कि प्रेम जो है वो लाइबिलिटी, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। लव शुड बी एन एसेट, प्रेम एक एसेट होना चाहिए, कि विन विन पोजिशन होना चाहिए, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि हम एक अंधे प्यार में पड़े और उसके पड़ने के बाद में हमने जो है अपना भविष्य भी दांव पे लगा दिया, हमने आगे फ्यूचर में कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, और हमारे पेरेंट हमको लाइबिलिटी समझने लगे, फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा, फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ और फिर हमने अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, शादी के बाद की बात करो उठके। और अब जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि आज की जनरेशन में एक चीज बड़ी चीज देखने मिल रही है मुझे, वो है कि किसी से अफेक्शन हुआ फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप को ट्रेंड बना लिया हमने, हमें लगता है कि ब्रेकअप इज ए कूल थिंग, बट ये बहुत बुरा है। इससे आप संबंधों की वैल्यू करना बंद कर देते हैं। एक बार जो आपकी फीलिंग आती है ना, उसको दोबारा आप रेप्लीकेट नहीं कर सकते। यदि कोई फीलिंग्स को रेप्लीकेट कर रहा है तो वो फेक है। वो क्या है, वो फेक है। यू कैन नॉट रेप्लीकेट योर सेम फीलिंग अगेन एंड अगेन फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये आपकी हैबिचुअल प्रेमी है। आप कौन है? आप हैबिचुअल प्रेमी है, तो आपका कभी सस्टेनेबिलिटी लंबा नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, अट्रैक्शन, प्रेम, फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि आप चाहते हैं तो उसकी इनर वैल्यूज को देखिए, उसके अंतर्मन को टटोलिए, वही लंबे समय तक साथ रहेगा। जो बाहरी रूप रंग है ना, वो तो समय के साथ में ढल जाएगा। उठ के उम्र बढ़ती है, आदमी का जो है वो बॉडी चेंज होता है आदमी का। ठीक है, धीमे 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 वो चीजें, जिन चीजों को लेकर आप अट्रैक्ट हुए थे ना, वो चीजें, प्राइमरी फेसी जो चीजें थी, वो चीजें धीमे धीमे कम होने लगती है। आपका अट्रैक्शन होना चाहिए मन से, भावनाओं से, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए केयरिंग फीलिंग से, तो वो चीजें लंबा सस्टेन करती हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए, मेरे लिए आपकी जनरेशन को एग्जैक्टली समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि प्रेम की जो परिभाषा है वो आज के 500 वर्ष से, 1000 वर्ष पहले से लेके आज के 1000 वर्ष बाद भी हम लिखेंगे ना, तो वो वही रहेगी कि जो ट्रू, सच्चा, जो अंतर्मन से, जो इनर कोर से एक दूसरे को पसंद करते हैं, वही लंबा साथ चलते हैं। अदरवाइज वो लाइबिलिटी है फिर, और कोई भी आदमी लाइबिलिटी को लंबे समय तक नहीं रखता। और मैं कहता हूं स्पेशली गर्ल्स से कि बेटा अपने पैरों पे खड़ा पहला प्रायोरिटी है, सबसे पहला प्रेम सब लोग कीजिए, अपने करियर से कीजिए। ठीक है, जब वो ठीक होगा ना, तो आप अपने प्रेम को सस्टेन कर पाएंगे, आप लोगों से लड़कर भी रह पाएंगे आप, नहीं तो निर्भर होकर किसी और पर, किसी और की लाइबिलिटी बनकर लंबा नहीं चल पाएंगे। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि प्रेम को प्रेम के सच्चे अर्थों में समझिए, ठीक है, अट्रैक्शन को सामान्य, एक दूसरे से के प्रति लगाव को जो है उसको प्रेम मत समझिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि संबंधों में ईमानदारी बरतिए। जब आप रिलेशनशिप में ईमानदारी बरतते हैं ना, तो आपको वैसे लोग मिलते हैं जो आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। और याद रखिए,
किसी को यदि कोई चोट लग गई आपके कारण तो वो तो हील हो जाएगी किसी के, लेकिन मन पे आघात हो गया, किसी का मन आपके प्रति, आपने किसी का मन दुखाया है, तो वो जो मन से जो बुद्धुआ निकलती, जो उसकी आहा निकलती है ना, वो जिंदगी में कहां किधर आपका पैर जकड़ ले, कहां आपको रोक दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए लाइफ में हमेशा अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में हमेशा वो कीजिए जिसके बदले में आपको विजिबली और इनविजिबली अच्छी विशेष मिले आपको। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।